गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आज मैं आपको पढ़ाने आई हूँ हिंदी विषय। क्या पढ़ाने आई हूँ? हिंदी विषय। और कौन सी क्लास को? क्लास है थर्ड और चैप्टर नंबर है 4 और चैप्टर का नाम है यह सच नहीं हो सकता, है ना? एक व्यक्ति को कहानी सुनने का बहुत शौक़ है, उसके बारे में कहानी है। और भाग है 6 नंबर है भाग का। क्या कौन सा पार्ट है आज? 6 नंबर। अब हम इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 2, भाषा ज्ञान का प्रश्न नंबर 2। तो हम क्या देखते हैं? भाषा ज्ञान का प्रश्न नंबर 2 कौन सा देखते हैं हम? प्रश्न नंबर हम इसमें देखेंगे 2, ठीक है? तो हम इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 2, क्या है इसमें? सर्वनाम बताना है। तो देखो बच्चों, प्रश्न दिया हुआ है आपके, पहले आपको क्या दिया हुआ? सर्वनाम पर गोला लगाना है। देखो क्या करना है आपको, सर्वनाम पर आपको गोला लगाना है। तो आपके प्रश्न है वहां पे, देखो वहां आम का एक पेड़ है, उस पर बहुत फल लगे हैं। तो सर्वनाम क्या होता है आपको? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्योंकि जब संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, उस पुनरावृत्ति दोष से बचने, पुनरावृत्ति क्या होती है? बार बार आना, एक ही शब्द को दोहराना क्या होता है? पुनरावृत्ति होती है। तो जब हम बार बार एक ही शब्द को दोहराते हैं तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम शब्द है मैं, वह है, वहाँ, उस, है ना, उसके, तुम, तुम्हारा, ये क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। तो अब आपको देखना है कि कहाँ पर ये सर्वनाम शब्द है। पहला है वहाँ आम का एक पेड़ है, तो ये क्या हो गया? वहाँ, ये क्या है? ये सर्वनाम, इस पे गोला लगा दिया हमने। आम का एक पेड़ है, आम का नाम तो दिया हुआ है, अर्थात ये जातिवाचक है। उस पर बहुत फल लगे हैं, अब उस, ये क्या है आपके? सर्वनाम है। तो आपने गोला लगा लिया। अब ख वाक्य दिया हुआ है, देखो ख नंबर का क्या दिया हुआ है? उसका लड़का शरारती है, उसका लड़का शरारती है। तो आपको क्या करना है? उसका, इस पर ये है आपके सर्वनाम। अभी आपको बताया था ना, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं सर्वनाम। तो ये नाम दिया होता है किसी का, उसके जगह हमने क्या कर दिया? उसका। तो ये हो गया सर्वनाम। अब गै नंबर दिया हुआ है, देखो गै नंबर का आपके वाक्य दिया है आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छी हैं। क्या है? अच्छी, है ना? आप अच्छा काम करते, बच्चे कहते हैं ना मैडम आप बहुत अच्छी हो, जब अच्छे से पढ़ाते हैं, आप बहुत अच्छी हैं। तो अब इसमें क्या शब्द आएगा सर्वनाम? आप। क्या आएगा? आप। इसी तरह घर नंबर, देखो घर नंबर पर क्या है? तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। किसका घर सुंदर है? तुम्हारा। तो तुम्हारा शब्द क्या है? आपके सर्वनाम है। तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। पढ़ो भी इसको साथ साथ में, तुम्हारा, इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? तुम्हारा। आप देखो लास्ट में है वह बहुत चालाक है। कौन चालाक है? वह बहुत चालाक है। वह बहुत
चालाक है। कौन चालाक है? वह बहुत चालाक है, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। क्या देखते हैं हम? प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। कौन सा? प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तो देखो आपके प्रश्न नंबर 3 है, सही वर्तनी वाले शब्द पर सही का निशान लगाइए। वर्तनी है कि यानी आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसमें मात्राएं गलत की जाती हैं, वर्णों की कोई मात्रा गलत कर दी जाती है, कई बार वर्ण गलत लिख दिए जाते हैं और आपको उसको सही करना होता है। कई बार छोटी मात्रा लगाते हैं बड़ी की जगह, कई बार छोटी ई की मात्रा की जगह बड़ी की मात्रा लग जाती है, तो वो क्या होता है, उसका अर्थ भी गलत हो जाता है ना, तो वो आपको सही करना है। तो आप देखो कह नंबर पे उत्तर है आपका, उत्तर है पहला कै शब्द है आपके, पहले हम शब्द लिख लेते हैं। देखो कै हानी, कहानी, ठीक है, फिर इसी को दिया हुआ है ये कहानी और ये है कै हानी, ठीक है, और कहानी कई बार बोलते बोल भी देते हैं का हा नी, है ना। इसी तरह हम खै पर देखते हैं क्या क्या शब्द दिए हुए हैं, फिर हम उनको सही करते हैं। पंसद होता है पसंद, है ना, और फिर क्या दिया हुआ है देखो आपके पसंद, है ना, फिर क्या दिया हुआ है आपके शब्द पसंदन, पसंदन, फिर गै नंबर दिया हुआ है देखो आपके, गै में क्या दिया हुआ है चतुर, क्या दिया हुआ है चतुर, उसके बाद में शब्द दिया हुआ है आपके चेतुर, क्या दिया हुआ है चेतुर, उसके बाद में आपके शब्द दिया चतुर, चतुर, ठीक है ना, शब्द क्या दिया हुआ है चतुर, उसके बाद में है नंबर पर आपके दिया हुआ है तालावर, तालावर, ठीक है, तालावर दिया हुआ है और दिया हुआ है तलवार, तलावार, ठीक है। अब किसी तरह हम और देख लेते हैं तलवार, है ना, तलवार, तो देखो आपको इसमें से सही शब्द बताने हैं, ठीक है ना। अब देखो पालकी शब्द दिया हुआ है, फिर दिया है पालाकी, क्या दिया हुआ है पालाकी, और फिर उसके बाद में लास्ट दिया हुआ है पालकी, ठीक है। ये तो आपको शब्द दिए हैं और आपको सही शब्दों पर गोला लगाना है। तो देखो कहानी हम क्या बोलते हैं, कहानी, है ना, कहानी, ये छोटी मात्रा लगी इसको हम नहीं बोलते, कहानी नहीं होता है, गलत उच्चारण है। फिर पंसद ये भी गलत है ना, पंसद व्यंजन वर्णों की जो बिंदी होती है, व्यंजन वर्णों के हम बाद में बोलते हैं, तो ये आपके गलत है। पसंद प से फिर आधा नहीं लगा, यहाँ लगाएंगे पसंद, तो आपके ये सही है। फिर ये पसंद द बाद में बोला जाएगा इसलिए गलत है। इसी तरह देखो चतुर, आदमी क्या होता है चतुर होता है, तो हम इस पर गोला लगा लेते हैं। फिर चतुर नहीं होता, गलत है, चतुर भी नहीं बोलते, गलत है उच्चारण। फिर देखो तलवार बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखा तालावर, गलत है, तलावार ये भी गलत है उच्चारण, तलवार ये सही है, ये आपके सही है। अब देखो पालकी सही है ना,
पालाकी नहीं बोलते, पालकी। क्या बोलते हैं? पालकी। ये देखो पालकी, ये आपके सही शब्द है पालकी। ये आपकी क्या है? सही शब्द है। पालाची गलत है ना, और ये भी गलत है। तो हमने ये वाले देख लिए। अब उसके बाद में आता है आपके प्रश्न, आता है कि आपको एक वचन से बहुवचन में बनाना है। क्या करना है? एक वचन से बहुवचन में आपको लिखना है। प्रश्न नंबर आपके 4 है। देखो प्रश्न नंबर है 4, पढ़िए पढ़िए समझिए पढ़िए समझिए, ठीक है, और लिखिए। ये आपके प्रश्न दिया हुआ है। आपको यहाँ पे एक वचन में दिया है और आपको बहुवचन में लिखना है, ठीक है ना। एक वचन में हमें एक ही संख्या का ज्ञान होता है, बहुवचन में बहुत सी संख्याओं का ज्ञान होता है। तो आपके पहला शब्द दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कहानी, है ना। यानी आपके एक वचन लग रहा है, दादी ने कितनी कहानी सुनाई? एक। अब बहुवचन क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से? अब पालकी। राजा के पास कितनी पालकी थी? एक पालकी में बैठा था, है ना। गए नंबर पर दिया हुआ है बोरी। क्या दिया हुआ है आपके? बोरी, ठीक है। इसी तरह गए नंबर पे दिया हुआ है आपके, देखो क्या दिया है? पहाड़ी। क्या दिया हुआ है? पहाड़ी। घ नंबर पे दिया है, और क्या दिया हुआ है आपके? 3 ही घ नंबर है बच्चों, घ तो मैंने लिख दिया था, घ और यह अण है। अण में दिया हुआ है गलती। एक अपनी मन से मैं बता रही हूँ आपको उदाहरण, 6 नंबर का क्या है? नदी। तो अब आपको क्या करना है, इससे आपको पहचान हो रही है ना, ये एक है ना। अब हमको क्या करना है? बहुवचन में बनाना है। कहानी, कहानी गलत लिखा है मैंने ये वाला, आप इसको सही करोगे। कहानी में बड़ी मात्रा आती है, अभी बताइए मैंने आपको। तो क्या हो जाएगा? कहानियाँ। क्या हो जाएगा? बहुवचन में बहुत सारे। दादी जी ने क्या किया? बहुत सारी कहानियाँ सुनाई। पालकी, पालकी का भी क्या हो जाएगा? पालकियाँ। क्या हो जाएगा? पालकियाँ। बोरी का बोरियाँ, बोरी का बोरियाँ। और इसी तरह देखो पहाड़ी एक है ना, हम क्या कर देंगे? पहाड़ियाँ। ये मात्रा छोटी हो जाएगी, है ना। पहाड़ियाँ यानी बहुत सारी पहाड़ियाँ। गलती, आपने एक गलती की किंतु मैडम ने बहुत सारी गलती कर दी। गलतियाँ, है ना। नदी का क्या हो जाएगा बच्चों बताओ मेरे को? नदी का हो जाएगा नदियाँ। क्या हो जाएगा? नदियाँ। तो आपने देखा एक वचन से बहुवचन हमने कैसे बना लिया। अब देखो आपको करने वाला काम है, ठीक है ना। आप क्या करोगे? वर्ग पहली पूरा करोगे, क्रियात्मक कार्य, ठीक है। क्रियात्मक माने करने योग्य कार्य है। तो ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है कि एक लिस्ट बनाई हुई है, एक आपके वर्ग पहली बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है? वर्ग पहली, ठीक है। इसमें आपके दिए हुए हैं नाम, किसके? पक्षियों के। किसके नाम दिए हुए हैं? पक्षियों के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपके पक्षियों के नाम दिए हुए हैं, आपको उनको बताना है, ठीक है। आपको उनको बताना है कौन कौन से पक्षी हमारे बन गए, ठीक है। तो देखो
अब आपके इसमें दिया हुआ है कऊ, क्या दिया हुआ है कऊ दिया हुआ है, फिर नीचे को, ठीक है। अब हम आपके यहाँ पे पक्षी बनाएंगे, ठीक है, ऐसे आपके लिखा हुआ है यहाँ पे और आपको बनाना है। यहाँ पे आपके लिखा हुआ है गऊ, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है तो, क्या लिखा है यहाँ पे तो, यहाँ पे लिखा है ये, यहाँ पे लिखा है ले, ठीक, और यहाँ पे रई, और यहाँ पे या, ठीक है, यहाँ पे ता, फिर मो, यहाँ पे रे, ठीक, और यहाँ पे दिया हुआ है आपके ची, यहाँ पे दिया हुआ है के, और यहाँ पे बू तर। तो अब आपको इस वर्ग पहली से क्या करना है कि आपको पक्षियों के नाम छांटने हैं, क्या है वर्ग पहली में से, वर्ग पहली पहली में से पक्षियों के नाम छांटने हैं, क्या करना है आपको पक्षियों के नाम, पक्षियों के नाम पर गोला लगाइए, गोला लगाइए, ये आपको करना है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये आपके क्या है प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, कौवा, क्या हो गया कौवा, पहला एक बन गया, नंबर एक क्या लिख दोगे कौवा, क्या लिख दिया आपने, पक्षी कौन सा बना कौवा। इसी तरह आप बनाओगे दो नंबर पर कोयल, क्या बनाओगे कोयल, क्या बन गया आपका कोयल। नंबर तीन पर देखो क्या है आपके चील, क्या बन गया चील, क्या बन गई पक्षी चील, ठीक है। चार नंबर पे देखो कबूतर, क्या बन रहा है कबूतर, नंबर चार पर है आपके कबूतर, ठीक है। नंबर पांच पे देखो, अब इधर देखते हैं हम, क्या बन रहा है गोरैया, क्या बन रही है गोरैया, है ना, ये भी पक्षी है ना। और नंबर छह पर देखो तोता, क्या बन रहा है तोता, तोता। नंबर सात पर मोर, नंबर सात पे क्या बना आपका मोर, तो इस तरह से पक्षी बन गए, ठीक है। तो बच्चों आज आपको ये व्याकरण समझ में आ गई होगी, शब्दों को शुद्ध करना है ना, सर्वनाम, और उसके बाद में ये वर्ग पहेली। तो बच्चों आप ध्यान से इस व्याकरण को समझना, ठीक है, और अपने आप वर्ग पहेली बनाकर अनेक पक्षियों के नाम को जानने की कोशिश करना, और कहीं दिक्कत हो तो DAV के WhatsApp नंबर पर मैसेज करना। धन्यवाद।